आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी। Okay, we know about Lalu Ji. He has a question. Okay. Amir, first of all, welcome to Dubai. And we heard that from Hanikarak Babu. I know you are very disciplined and strict father in the movie. So, aap asal zindagi mein bhi itna strict hai? Nahi. Real mein itna strict hoon main nahi hoon. Real mein main bahut hi lenient father hoon. Nahi? What do you all think? You all see me with Aira, Junaid and Azad. Yeah, he's very cool. निकर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल। अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन, ये जो है गीता बबीता के लिए आप 3000 लड़की लोग का ऑडिशन लिया है, तो इन दोनों में आप ऐसा कहा देख लिया कि इनको गीता बबीता बना दिया? बताइए देखिए एक्चुअली कितनी ऑडिशंस हुए हम लोगों ने गिना नहीं, बट बहुत सारे। और इनमें हमने क्या देखा मैं बताऊँ, एक तो जो कास्टिंग थी इस फिल्म की बहुत ही मुश्किल कास्टिंग थी, क्योंकि हमको आमतौर पर हम एक अच्छा एक्टर ढूंढते हैं जो किरदार में सूट होता है, इसमें भी हमें अच्छे एक्टर चाहिए थे जो किरदार में सूट हो, लेकिन उसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट्स और भी थी। क्या एक तो हमें गीता के लिए एक 14 साल की लड़की चाहिए थी जो बड़ी होके करीबन 20-21 साल की होती है, तो हमें दो लड़कियाँ चाहिए थी गीता की, एक 14 साल की एक 20-21 साल की, दोनों को अच्छी एक्टिंग करनी है, दोनों को कैरेक्टर में सूट होना है, दोनों को रेसलिंग सीखनी है और करनी है। तो मैं बहुत अच्छा एक्टर हो सकता हूँ लेकिन हो सकता है मैं रेसलिंग नहीं कर पाऊँ अल्टीमेटली, तो एथलेटिक भी हो, अच्छे एक्टर भी हो, कैरेक्टर को सूट करे और दोनों की शक्ल नहीं मिले, क्योंकि आपको अच्छी लड़की मिल गई 14 साल की, एक अच्छी लड़की मिल गई 21 साल की, उनकी शक्ल नहीं मिल रही है, तो इट वॉज अ वेरी टफ प्रोसेस। वॉट वी सॉ कमिंग टू योर क्वेश्चन, वॉट वी सॉ इन दीज टू इज दैट देयर रियली अमेजिंग एक्टर्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्टर। आई मीन आई वॉज फ्लोर्ड व्हेन आई सॉ देम in the screen test, and I was absolutely floored when I saw them on set working with me. I have been working for about 27 years now, I think, and they, on their first film, were 10 steps ahead of me in every scene. I